Our worthy Deputy Commissioner Srinagar, Jinaab Ejaz Asrar Sahab. We are thankful to our worthy guests. शॉर्ट में क्या करा दे रहे हो साउंड बता चूड़ी फैसल अली है, मैं बांडीपुरा से हूँ। ये जो आज एक्सलेंस स्पोर्ट्स यहाँ पर सेंटर दिया गया है मिनिस्ट्री से, ये एक बड़ा एक आने वाला एक बड़ा अचीवमेंट है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, जिससे हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा देखने को, और जो इंटरेक्शन होगा बड़े बड़े प्लेयर से, इवन जो बड़े कोच सेंटर से यहाँ पर आएंगे, एक बड़ी एक जीत है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे हमें बेनिफिट होगा। सर अगर टैलेंट की बात हो तो कश्मीर के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, कितना टैलेंट आप देखते हैं? टैलेंट बहुत यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स मेडलिस्ट हैं हमारे, अगर स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स का हम देखेंगे, बहुत एक अच्छा रोल है वाटर स्पोर्ट्स का, जिसमें हम जो डल पे आप देख रहे हो अभी कितनी सारी अचीवमेंट्स हमने लिए है वाटर स्पोर्ट्स, चाहे नेशनल गेम्स हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वाटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और अच्छा यहाँ पर यूथ का एक अच्छा रोल है जिनके पास एक टैलेंट है। मैसेज चाहूँगा कि इस स्पोर्ट्स को आप अडॉप्ट कर लो, और हम वे और ओन वाटर बॉडीज हियर, जिसके वालूर है बांडीपोरा में, यहाँ पर डल है, हम इससे अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे जॉब्स की बात हो, करियर की बात हो, स्पोर्ट्स में अच्छा करियर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद शाह है, मैं वाटर स्पोर्ट्स से ही हूँ। यहाँ पे आज हमारे पास गवर्नर सर और यहाँ पे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल आए थे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसके तरफ से सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहाँ पे मिलेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे निकलेंगे और जो कि पूरे स्टेट के लिए और पूरे इंडिया के लिए खेलेंगे। टैलेंट सर बहुत ज़्यादा है, हम प्लेयर्स को बाकी प्लेयर्स को भी वेलकम करते हैं कि वो आए यहाँ पे, वो देखे कि वो यहाँ पे सीखे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है और कश्मीर में तो टैलेंट की कमी नहीं है। सर वो तो सबसे बड़ी बात है पहले हमारे लिए, हम प्लेयर्स के लिए, अगर बाहर के प्लेयर हमारे पास आते हैं यहाँ पे सीखते हैं और बाहर के कोच हमारे पास आते हैं तो हमें भी एक अच्छा सा एक्सपोजर मिले। हम यहाँ के प्लेयर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए, वो खेले वाटर स्पोर्ट्स में या कोई भी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बैक है। सुजैन, मैं ये जो आज वाटर स्पोर्ट्स इवेंट था इसमें बहुत मज़ा आया, अभी हमारा इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अभी हमारा रिफ्रेशमेंट देंगे तो उसके बाद हमारा इवेंट स्टार्ट होगा, तो अभी हम देखेंगे कि इसके मतलब इसमें क्या करते हैं। इससे पहले हमने खेला है लेकिन वो वाटर में नहीं खेला है, इसमें बहुत मज़ा आता है। प्लेयर्स में टैलेंट तो बहुत है लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनके शुक्रगुजार है, उनने ऑर्गेनाइज किया है, जब वो कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तभी बच्चे अपना टैलेंट दिखाएंगे। इम्पोर्टेंट होगा, हमें कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टैलेंट को छुपा के मत रखो, बाहर निकलो, जब आप लोग बाहर निकलोगे अपने टैलेंट को दिखाओगे तभी कुछ आगे बढ़ोगे, तभी नेशनल लेवल तक पहुँचोगे, तभी इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं। अगर आप घर में बैठोगे तो घर में बैठ कर कुछ नहीं मिलेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब